जिस वीडियो इज स्पॉन्सर बाई आशीष गुप्ता, जो पैसे से एक फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर है। तो अगर आपको भी किसी भी इवेंट या प्रोग्राम में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवानी है तो आप आशीष गुप्ता से कांटेक्ट कर सकती हैं। उनका कांटेक्ट नंबर नीचे दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज। मैं कृष्णा। मैं निहाल। और मैं अमित। तो दोस्तों, आज हम आए हैं नॉर्थ ईस्ट गोरखा फेस्टिवल 2019 गोलाई पे। तो यहाँ पे हम लोग सब कवर करने वाले हैं और लोगों से कुछ पूछेंगे, कुछ अच्छे सवाल तो कुछ मजेदार, कुछ मस्ती वाले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखते हैं और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पंकज को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रियंका छत्री है। रश्मिता शर्मा। तो मुझे बताइए कि आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? अभी तक तो बाहर से अंदर आई हूँ, अच्छा ही लग रहा है अभी तक तो। अच्छा ही लग रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्ट गोरखा फेस्टिवल 2019 चल रहा है, तो आपको यहाँ पे आके मतलब कैसा लगा? अपना कुछ एक्साइटमेंट, या जब आपको पता चला कि यहाँ पे इस तरह का फेस्टिवल हो रहा है तो मतलब आपने क्या सोचा कि यहाँ चलना चाहिए कुछ? हाँ, बहुत ही बढ़िया है ये। यहाँ में जो है बहुत ही अच्छा है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट गोरखा का वो है प्रोग्राम है, तो बहुत ही अच्छा है। गोरखाओं के लिए ये एक नया अचीवमेंट है, तो ऐसा प्रोग्राम नॉर्थ ईस्ट में कभी बना नहीं है। फर्स्ट टाइम डिगम में हो रहा है और ये सारा उत्तर पूर्वांचल एट सिस्टर्स, सिक्किम लगा के एट सिस्टर्स और सारा इंडिया के भी यहाँ पार्टिसिपेंट कर रहा है, हम लोग का प्रतिनिधित्व हो रहा है। आज सीएम सर भी आए हैं असम के, और ये हम लोग तो हमारे लिए तो ये बहुत गौरव की बात है। लगता है सर आप बहुत काफ़ी एक्साइटेड हो इस इवेंट को लेके। एक्साइट तो होना ही चाहिए, क्यों, हम लोग असमवासी हैं, खाली गोरखा का बोल के नहीं, यस जितना जनगोष्ठियाँ है सब मिलके हम लोग कर रहे हैं और सबको हम लोग को हेल्प मिल रहा है, सारा असमवासियों का हम लोग को हेल्प मिल रहा है, बहुत अच्छा है। और हमारे वॉलंटियर्स का भी बहुत एक्टिव वॉलंटियर्स भी है, उन लोग का बहुत मेहनत से ट्रेनिंग किया है इस प्रोग्राम के लिए, और हम सब भारतीय हैं। सही बात है। जरा मैं इनके वॉलंटियर सबसे पूछना चाहता हूँ, आप कितने एक्साइटेड हो इस इवेंट को लेके? हम लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि कभी भी हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला था करने के लिए वॉलंटियरशिप के लिए, इसलिए हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और आप, आपका क्या कह रहा है? बहुत एक्साइटेड है हम लोग भी। आप बताइए। हमें बहुत खुशी। आप बताइए आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पे इवेंट होने का? एक्साइटेड तो बहुत है, लेकिन ये प्रोग्राम सिर्फ गोरखा के लिए नहीं है, सब जितना भी यहाँ में रहते हैं उसके लिए, तो सब यहाँ में कोऑपरेट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और आप बताइए आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट लग रहा है, और हम ये अपने आदमी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम लोग एक वॉलंटियर होकर अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, तो इसलिए खुशी है इस बात की। ओके, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। जय हिंद। ये जगह बहुत सुंदर, मैं कभी नहीं आई थी पर ये जगह अच्छा लगा मुझे, मुझे भी आकर यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। नेहाल पूछे, यहाँ पे चोरी का कुछ मामला वामला मालूम चला तो आप लोगों को कुछ पता है? छोड़ छोड़ छोड़, बाकी बात। रन। तो यहाँ पे राजनाथ सिंह भी आए हैं जो इंडिया के होम मिनिस्टर हैं, तो आप कुछ कह सकते हैं उनके बारे में? हाँ, यहाँ आना तो बहुत अच्छी बात है, हमारे पूरे गोरखा के लिए बहुत ही गौरव की बात है ना। तो यहाँ पे राजनाथ सिंह भी आए हुए हैं, आप लोगों को पता है? तो भैया हमें खबर मिली है कि यहाँ पे बहुत सारे लड़के जो आए हैं यहाँ फेस्टिवल देखने नहीं बल्कि लड़कियाँ देखने आए हैं, तो क्या आप भी अब उनमें से एक हो? लड़कियाँ पटाने, लड़कियाँ देखने
तो क्या आप भी उनमें से एक हो? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, ये जिसने भी बोला आपको बिल्कुल गलत बोला है, ये बिल्कुल नहीं है। तो आप उनमें से एक नहीं हो। यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, अभी अभी हम लोगों ने देखा और हम लोगों ने कवर भी किया है। एक्चुअली हम लोग प्रैंक कर रहे हैं भैया। एक्चुअली हम लोग प्रैंक कर रहे हैं। गलत है ना? हाँ बिल्कुल गलत तो है। ये सच में गलत बात है। आप एक फेस्टिवल में आए हो तो यहाँ की मान मर्यादा को ध्यान में रख के यहाँ पे कुछ करना चाहिए। तो हम लोग एक प्रैंक वीडियो कर रहे थे, हम लोग का चैनल है फंक बास, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगा बात करके आपसे। नहीं नहीं, हम लोग फेस्टिवल देखने आए हैं, स्टूडेंट है, फेस्टिवल देखने आए। तो आप लोग मतलब उस तरह की कोई हरकत नहीं किया अभी तक? सच में नहीं किया। देखिए हम लोग का ये फंकबास का कैमरा है, ये सब कैमरा कैप्चर करता है, तो अगर कुछ ऐसी हरकत हुई तो हम लोग सारे कैप्चर करने वाले हैं। अभी तक हम लोग का रिकॉर्डिंग चल ही रहा है। तो आप लोग ऐसा कुछ हरकत नहीं कर रहे हो ना? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अपना दुकान है यहाँ पे, कहाँ करेंगे? तो भाई इतना सीरियस होने का जरूरत नहीं है, हम लोग प्रैंक वीडियो शूट कर रहा था। तो दोस्तों रिव्यू और एक छोटी सी प्रैंक तो हो गई, अब बारी थी इस फेस्टिवल को देखने की। तो चलिए आप भी हमारे साथ इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों आप इस गोरखा फेस्टिवल की एक लुक देख सकते हैं। ये यहाँ का मंच जो बहुत ही बड़ा है, जैसा कि एक सर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि ये गोरखा फेस्टिवल है, लेकिन ये सिर्फ गोरखा लोगों के लिए नहीं, यहाँ हर धर्म हर कास्ट के लोग आ सकते हैं। तो इस फेस्टिवल को बड़ा बनाने में हर धर्म और हर कास्ट के लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये मंच, ये पंडाल कितना बड़ा है और इसे बनाने में लगभग कई हफ्ते लगे हैं। तो ये काफ़ी लोगों की मेहनत का नतीजा है जो इतना बड़ा फेस्टिवल यहाँ पे हो रहा है डिगबोई में। तो दोस्तों एक लुक आप इस मंच के अंदर भी देख सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी लोग हैं और यहाँ गोरखा ट्रेडिशनल डांस हो रहा है, आप देख सकते हैं, जो कि स्टेज पे हो रहा है और हम यहाँ पे आपको डिस्प्ले में ही बस दिखा सकते हैं। तो दोस्तों चलते चलते एक नज़र हम गोरखा ट्रेडिशनल ड्रेस पे भी डाल लेते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी सारी गोरखा ट्रेडिशनल ड्रेस है और बहुत सारी भीड़ भी लगी हुई है इन ड्रेसों को लेने के लिए। हमारे प्यारे दोस्तों, भाई और बहनों, इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें और इसके मौका उठाएं, इस चैनल से भी आप एंजॉयमेंट करें, फुर्ती करें। जय गोरखा, जय हिंद। सब्सक्राइब टू फंकबाज़।